इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप देख पाओ वीडियो सबसे पहले। आज इस उभरती हुई दुनिया में हम चारों तरफ से मशीनों से घिरे हुए हैं और उन्हीं में से एक बेहद खास मशीन है कार, जिन्हें हम कहीं भी आने जाने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। वैसे तो सभी कार देखने में एक जैसे लगती है, लेकिन दुनिया में कई ऐसे कारें भी बनाई गई है जो बेहद विचित्र है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पांच ऐसी ही कारों के बारे में जो बेहद विचित्र है। बैटमैन कार। कैसी पुशी नाम के इस आदमी ने बैटमैन मूवी देखने के बाद इस कार को बनाया था, जो देखने में बिल्कुल बैटमैन मूवी में दिखने वाली कार जैसी थी। उसने इस कार को मिलिट्री के वाहनों में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान से बनाया था। यह कार बिल्कुल बैटमैन मूवी की कार जैसी है और इस कार में एक जेट इंजन है जिससे यह कार बहुत तेज भी चलती है। मैट्रक। इस कार को बनाने वाले आदमी ने कार में पहियों की जगह टैंक में लगने वाली बेल्ट का इस्तेमाल किया था जिससे कार को बर्फ पर आसानी से चलाया जा सकता है। यह कार उन जगहों पर भी जा सकती है जहां बहुत ज्यादा बर्फ हो। यह ऐसी दिखने वाली दुनिया की इकलौती कार है। पुल कार। इस कार को दो दोस्तों ने बनाया था जिन्हें स्विमिंग पूल बहुत पसंद था। इसी वजह से उन्होंने अपनी कैडिलैक कार को पूल में बदल दिया ताकि सड़क पर चलते समय भी यह स्विमिंग पूल का मजा ले सके। यह कार देखने में बेहद ही अजीब क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कई लोग इस कार में बैठना चाहते हैं। दोस्तों, आपके पास कौन सी कार है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। लॉन्गेस्ट कार। इस कार के सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी कार भी बेहद छोटी लगेगी। ये कार जाने माने डिजाइनर जय ओहवर्ग की डिजाइन की गई खास लिमोजिन है। इस कार की लंबाई 30.5 मीटर है। इसके सड़क पर निकलते ही दूसरी गाड़ियों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। इस कार में ईंधन भरवाने के लिए पूरे पेट्रोल पंप को ही खाली करवाना पड़ता है। पिरामिड इलेक्ट्रिक कार। इस कार को बनाने वाले आदमी अपनी कार को बाकी सभी कारों से अलग बनाना चाहता था। इसी वजह से उसने अपनी कार को मॉडिफाई करके पिरामिड की तरह बना दिया। अगर आप दुनिया के सबसे अजीब कार में सफर करना चाहते हैं तो आप इस कार में बैठ सकते हैं। इस कार की स्पीड 40 किलोमीटर है और इस कार को चार्ज करने के लिए लगभग 3.5 घंटे का समय लगता है। और इस कार में लगी लाइट की वजह से यह कार देखने में यूएफओ की तरह लगती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपना सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।